हेलो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द इवेंट्स अकरिंग इन अ रेप्लिकेशन फॉर्क ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा दैट वुड बी डीएनए रेप्लिकेशन सो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए रेप्लिकेशन का फोर्क बनता है ये वो एरिया है जहाँ पे डीएनए जो है, है हमारा डबल हेलिक्स वो क्या करता है वो आपका अनवाइंड होता है ठीक है अनवाइंड होता है एंड उसको कॉपी किया जाता है ताकि प्रोड्यूस कर सके दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन फोर्क जो होता है ना एक क्रिटिकल साइट होती है जहाँ पे वेरियस इवेंट्स अक्कर करते हैं टू द एक्यूरेट एंड एफिशिएंट डीएनए एन ठीक है अब हम उसको एक डिटेल वे में पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्क आपका कैसा दिखता है वो आपका इस तरीके से दिखता है एप्लीकेशन फोर्क ये होता है आपका फाइव डैश से लेकर के थ्री डैश से लेकर के यहाँ तक थ्री डैश से लेकर के यहाँ पे होता है आपका फाइव डैश तक ठीक है सो so, ये जो अभी स्ट्रेंड होती है ना इट इज़ कंटीन्यूस सिंथेसिस होता है यहाँ पर यहाँ पे होता है हमारा डिसकन्टीन्यूस डिसकन्टीन्यूस ठीक है एंड ये होता है हमारा टैम्पलेट डी एन ए विच इज द पेरेंटल स्ट्रैंड ठीक है एंड यहाँ पे आपका सिंथेसाइज हो रहा है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेंड्स तो यहाँ से आपका जो है इट विल बी कंटीन्यूस ये होगा आपका फाइव डैश से लेकर के थ्री डैश तक एंड उसके बाद जो यहाँ से आपका जो भी होगा इट विल बी डिसकंटीन्यूस ये वाला आपका प्रॉपर कैसा होगा इट विल बी डिस कंटीन्यूस ठीक है ये आपका न्यूली सिंथेसिस स्ट्रेंड होता है सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे सबसे पहला होता है यहाँ पे अनवाइंडिंग ठीक है इसमें क्या होगा आपका डीएनए खुलेगा अनवाइंड होगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे पहला है आपका अनवाइंडिंग ठीक है तो यहाँ पे जो है एंजाइम है हमारे पास एक हेलीकेस वो क्या करता है अनवाइंड करता है एंड सेपरेट करता है आपका टू स्टैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स एक वाई शेप्ड बना देता है जिसको हम बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क ये प्रोसेस जो है इट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस सो हमारा सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं बीज ये आपके क्या करते हैं ये बाइंड करते हैं टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ताकि हम प्रिवेंट कर सके सिंगल स्टैंड को फ्रॉम री एनलिंग मतलब वापस चिपकने से उसको बचा लेते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन of RNA primer formation of RNA primer so जो आपका primase का action है यहाँ पे primase enzyme primase क्या करता है synthesize करता है एक short RNA primer on each uh, single stranded DNA template और primer जो है ये provide करता है three uh, hydroxyl that means your OH group जो नेसेसरी होता है फॉर डी एन ताकि वो स्टार्ट uh, कर सके डी एन सिंथेसिस ठीक है और प्राइमर का फंक्शन क्या होता है आर प्राइमर ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू डी एन टेम्पलेट एंड उसको ले डाउन किया जाता है एट द ओर आई विच इज़ दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ऑन द एस एस डी एन ए जहाँ पे उसको एक्सपोज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है डी एन एंथेसिस डीएनए एस पॉलीमरेज एक्शन यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज एग्जाइम एंजाइम होता है एग्जाम्पल आपका डीएनए पॉलीमरेज ए पॉलीमर थ्री प्रो कैडियोर्ट्स में यह करता है ये हमारा एड करता है न्यूक्लोटाइट थ्री डैश एंड पे एंड सिंथेसाइज करता है न्यू ड्रेनेज स्टैंड फ्राम फाइव डैश टू थ्री डैश ठीक है एंड डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है कंटिन्यूसली ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड जो हमने पढ़ा ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है हमारा डिस्कटीन्यूस है ऑन द लैगिंग स्टैंड ठीक है so, सो ये जो आपके ऐसे फ्रेगमेंट बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज ओका फ्रेगमेंट्स क्या बोलते हैं इनको ओका सागमी फ्रेगमेंट्स जो ईट ऑफ देम जो बिगिन करता है विद एन ए प्राइमर सो so, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमर रिमूवल प्राइमर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट सो जो अगर डीएनए सिंथेसिस रीच हो गया तो उसके बाद क्या होगा वहाँ पे आपका एंड हो जाएगा ऑफ आरएनए प्राइमर एंजाइम जो है आपका डीएनए पॉलीमरेज वन वो इक्विवेलेंट होता है जिसे वो प्रोकैरियोट्स में होता है ना वैसे ही उसके इक्विवेलेंट आता है क्यूकेरट में जो रिमूव करता है आर प्राइमर्स को एंड रिप्लेस करता है डैम विद द डी न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है एंड जो डी एन ए पॉलीमेज थ्री होता है इन यू कैरियोट्स द प्राइमेज एंड पॉलीमरेज ये आपका एक पार्ट होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं प्राइमेज कॉम्प्लेक्स या फिर डी एन ए पॉलीमेज अल्फा कॉम्प्लेक्स ठीक है अब उसके बाद होता है आपका जॉइन join, ज्वाइनिंग हो जाती है डी एन ए फेगमेंट्स की तो यहाँ पे आपका डी एन ए लाइगे जाता है जो सील करता है गैप बिटवीन दगी फ्रेगमेंट ऑन द लैगिंग स्टैंड ठीक है एंड उसके बाद आता है आपका प्रूफ रीडिंग एंड एरर करेक्शन तो डीएनए आपका पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लोटाइड और वो भी प्रूफ रीडिंग का भी वही काम करता है अगर कुछ मिसमैच मैकेनिज्म होता है वो भी आपका वहां पे प्रॉपरली चेक किया जाता है एंड उसको करेक्ट किया जाता है राइट सो so ये है आपका प्रॉपर Summary for the uh, events that happened in the replication fork. So, students, I hope you a question. All the best and thank you.